सब्सक्राइब करें अभिहास किचन को और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको आलू बैंगन बनाना बताऊंगी। आलू बैंगन बनाने के लिए मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं, इसे मैंने नमक वाले पानी में भिगो दिया है काट के। सबसे पहले मैं मसाला तैयार कर लूँगी। मैंने एक पतीली ली है, इसके अंदर मैंने एक कप ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद इसमें मैंने 3 अदद मीडियम चॉप की हुई प्याज डाल दी है। प्याज को मैं फ्राई कर लूँगी। प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लूँगी। प्याज ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, इसके अंदर मैं चंद कड़ी पत्ते डाल दूंगी। अब कड़ी पत्तों को हल्का सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और 1 मिनट फ्राई करूंगी। 1 मिनट हो गया है, अब मैं इसके अंदर 4 अदद मीडियम टमाटर डाल दूंगी, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, नमक 1 चाय का चम्मच। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और 1/2 कप पानी डालूंगी। ये देखिए, मैंने इसके अंदर 1/2 कप पानी डाल दिया है और अब मैं इसके अंदर 3 अदद मीडियम आलू कटे हुए डाल रही हूँ। अब मैं आलू को मसाले में मिक्स करूंगी और आँच को मैं दरमियानी कर दूंगी और इसे मैं पकाऊंगी 2 से 3 मिनट ढककर। 2 से 3 मिनट हो गए हैं आलू को पके हुए, टमाटर भी नरम हो गए थे तो मैंने उसके छिलके उतार कर चम्मच से मैश कर लिए। अब मैं इसके अंदर 5 अदद हरी मिर्च डालूंगी। अब मैं आलूओं को मसाले में अच्छी तरह से भून लूंगी। आप मसाले का कलर देखिए, इसका कलर कितना प्यारा आया है। ये देखिए, पानी खुश्क हो गया है, मैंने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। आलू भी हमारे आधे कुक हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर कटे हुए बैंगन डाल दूंगी। बैंगन को मसाले में मिक्स कर लूंगी मैं। अब मैं इसको हल्की आंच पर दम कर दूंगी जब तक कि बैंगन नरम ना हो जाए। अब मैं इसके अंदर 1/2 चाय का चम्मच गरम मसाला डालूंगी और हल्की आंच पर पकाऊंगी जब तक कि बैंगन नरम ना हो जाए, और मैं इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। बैंगन को मैंने हल्की आंच पर 15 मिनट ढककर पकाया है। बैंगन नरम हो गए हैं और आलू भी बिल्कुल गल गए हैं। अब मैं आंच को थोड़ा सा तेज़ कर दूंगी, जो एक्स्ट्रा इसका पानी है वो खुश्क कर लूंगी। ये देखिए, बैंगन बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी। आलू बैंगन को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बताए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़रूर ट्राई करें। आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।